सदर विधायक पीलीवी संजय गंगवार ने सिख समुदाय के सैकड़ों सदस्यों को भाजपा में शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में सिख समुदाय को महत्वपूर्ण बातें बताते हुए भाजपा के संगठन को और मजबूत बताने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली का उदाहरण देते हुए कहा कि सिखों के सरोकार को समर्पित भारत सरकार ने 1984 दंगा पीड़ितों सिख परिवार को न्याय दिलवाने के लिए प्रतिबिंब सरकार ने लंबे समय से आजाद घूमते गुनाहगारों के केसों का ट्रायल करवा के सजा दिलाने आने वाले समय में सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान दिलाने के लिए वचनबद्ध है और रहेगी। पीलीभीत से धीरज शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। आज सैकड़ों संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है, ये विधायक का जादू है कि भाजपा का जादू है? ये देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद और कृपा है। भारतीय जनता पार्टी का कुनवा बड़ा है तो सिख समाज हमेशा हमारे साथ रहा है। सिख समाज हमेशा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और परम पूज्य मोदी जी के साथ रहा है। आपने देखा होगा, हमें किसी दूसरे धर्म से परेशानी नहीं है, लेकिन हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, उन सिख भाइयों से कहना चाहते हैं कि अब से पहले पांच कालिदास पे कभी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ नहीं हुआ, कभी लंगर नहीं वहाँ छका गया। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे जिले के सिख महिला को सबसे बड़ी कुर्सी सौंपने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया, और जब पाकिस्तान के अंदर लांगा बॉर्डर पे यहाँ से लोगों को भेजने की बात हुई करतारपुर में, तो वहाँ पर हमारे सिख समाज के ही सिख एकेडमी के उपाध्यक्ष भी हैं, वो गुरबाग सिंह भाई जिनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, उनको उस सूची में शामिल करके भेजा गया। उससे पूरे जनपद के सिख समाज का सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के चरण जब से इस पीलीभीत की पावन भूमि पर पड़े हैं, तब से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा समाज एकजुट है और हम चार की चारों सीटें यहां जीत करके पुनः परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे।